राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रदेश सरकार के बजट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार ये दावा कर रही है कि ये सबसे बड़ा बजट है, लेकिन सवाल यह है कि जो बजट पिछले साल पेश हुआ था क्या वो धरातल पर उतरा और सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए क्या किया। ना गन्ने का मूल्य बढ़ाया और ना ही किसानों की आय दोगुनी हुई। वहीं आरएलडी के विधायकों ने सत्र में किसानों के गन्ने के भुगतान की मांग की और कहा कि आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, गौशालाएं खाली पड़ी हैं, किसान परेशान हैं, सरकार किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ये बजट जो है ये एक तरह से इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, गाँव के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लीपा पोती की है। जैसे कहा कि 20,000 करोड़ जो है हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देंगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दो, पर एग्रीकल्चर को क्या दे रहे हो आप? गन्ने का फंड बनाओ 5,000 करोड़ का, जो मिल मालिक पैसा ना दे उसको पैसा दो किसान को और गन्ने उससे मैं ब्याज वसूल करो। आप ना तो मिल मालिकों से ब्याज दिलाते हो, मैं ना पैसा दिलाते हो, आप ये दिखावा कर रहे हो। नंबर दो ये कि आप कृषि आधारित उद्योग लगाओ, आप कपड़ा दिया सलाई, लकड़ी से दिया सलाई बनती है, जूता, जो चीज कृषि आधारित उद्योग लगाओ उनके लिए बिना ब्याज के पैसा दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। बजट 7 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें किसानों के लिए काफ़ी कुछ सरकार ने रखा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं त्रिलोक त्यागी जी, जो आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बजट पेश किया है, किस तरीके से किसानों के लिए उसमें विशेष ध्यान रखा गया, तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हमारे एमएलओ ने गन्ने का सवाल उठाया, आवारा पशुओं का सवाल उठाया, रोजगार का सवाल है। अगर किसानों के लिए कुछ करना था तो गन्ने के लिए एक फंड बनाना चाहिए था, उसमें 5-7 हज़ार करोड़ जमा करते, और अगर मिल मालिक पैसा नहीं दे रहा तो सरकार को पैसा किसानों को देना चाहिए, बाद में मिल मालिक से ब्याज सहित उगा लेते। वो नहीं किया सरकार ने, आलू पे कुछ नहीं किया सरकार ने, आवारा पशुओं पे कुछ नहीं बताया कि उन पे कितना पैसा खर्च करेंगे। आज हमारे खेत बर्बाद हो गए, वो खेत भी बर्बाद कर रहे, लोगों की जान भी ले रहे, आज हालत ये हो रही है। तो सरकार ने किसान के लिए, बेरोजगारी के लिए गन्ने पर कुछ नहीं किया। आप समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी भी हैं, आप समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी हैं, आरएलडी पार्टी लगातार किसानों के मुद्दों को उठाती रहती, तो क्या सत्र के दौरान आपके एमएलओ ने इन चीज़ों को उठाया? हाँ नहीं, तो हम लोग तो साथ हैं और उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं। हम किसानों के मुद्दों को सत्र में किस तरीके से उठाएं? नहीं, सत्र में उठाएंगे हम, गन्ने के सवाल को उठाएंगे। पिछले साल का बकाया मिलना चाहिए, गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए। हमने 2 महीने आंदोलन चलाया गन्ने के दाम पर, बिजली का रेट में सरकार ने वादा किया कि हम आधा करेंगे, 180 रुपये हॉर्स पावर था 90 होना चाहिए। इन तमाम सवालों को हम उठाएंगे, हम आंदोलन करेंगे। इस पर सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें सिर्फ किसान, महिला, रोजगार, बेरोजगारों को दूर करने के लिए उठाया है ना? नहीं, उसमें कुछ नहीं किया सरकार ने, ना महिलाओं कुछ लिए कुछ किया। हम कह रहे हैं कृषि उद्योग, कृषि को आधारित उद्योग लगाओ, कपास से जूता, कपड़ा, दिया सलाई, किसानों के बच्चों को लोन दो, बेरोजगार लड़कों को बिना ब्याज के लोन दो, ये उद्योग लगे तो किसानों का भला है। किसानों का भला इससे थोड़ी है कि यूनिवर्सिटी में मैंने 2,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, पर जो किसान को डायरेक्ट फायदा होना, वो मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो आप। इसलिए बजट 0/लड्डू है इनका किसानों के लिए। जो सरकार का बजट है उसको कितने नंबर देंगे? नहीं, नंबर तो है ही नहीं, नंबर कहाँ से दूं मैं, कहूँ 0/लड्डू है नंबर तो मैंने दे दिए, है ही नहीं किसान। अगर इसमें किसान का सवाल होता, बेरोजगारी का सवाल होता, बेरोजगारी पे पैसे देने का सवाल होता लघु उद्योग लगाने के लिए, इसमें कोई फंड होता वो तो मैं करता। हम लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में 20,000 करोड़ करेंगे, अरे आपके जो प्राइमरी स्कूल बंद पड़े हैं, शिक्षा पे करना तो नीचे से करो, आपके अस्पताल बंद पड़े हैं जो गाँव के, प्राथमिक केंद्र बंद पड़े हैं, उनको करने की जरूरत है, उस पर सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। प्राथमिक केंद्र हैं उसमें घास खड़ी है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वहाँ दवाई नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, तो तमाम सवाल हैं, उस पर सरकार चिंतित नहीं है, उस पर सरकार चिंतित नहीं है। तो ये थे मेरे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया जो सरकार का जो यह बजट है इसमें किसानों का खास ख्याल नहीं रखा गया है और यह बजट जो है पिछली बार के बजट के तरीके से जीरो ही रहा है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ में अविनाश, एनके न्यूज़, लखनऊ।